ठीक है। तो आज हमें शुरू करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, जिसको कि किस नाम से भी जानते हैं हम, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैंने आपको बताई थी कि टोटल पांच कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल ऑफ मैटर की। वो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पहला क्या होता है, दे आर वेरी स्मॉल, देन दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, थर्ड इज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड अट्रैक्टेड बाय दी अट्रैक्टेड बाय ईच अदर। ठीक है, तो इसको हमें वन बाय वन करना है। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि जो पार्टिकल जो मैटर्स होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे कण होते हैं हिंदी में जिसको कहते हैं, कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और उसी को हमें देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज पार्टिकल की होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरी वेरी स्मॉल। अब ये वेरी वेरी स्मॉल है तो इसका प्रूफ कैसे किया, द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम पहली बात करें तो द फर्स्ट थिंग इज दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया है, बहुत छोटे होते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए ये बताया है कि भाई आपने क्या किया, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर व्हाट यू हैव डन, आपने कुछ 90 मिलीलीटर पानी लिया है, कितना 90 मिलीलीटर पानी ले लो, उसके अंदर क्या करो आप 10 मिलीलीटर क्या डाल दो, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट एक वॉलेट कलर का सब्सटेंस होता है, तो आपने यहाँ पे क्या डाल रखा है, ये 10 मिलीलीटर, दिस इज KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट डाल रखा है आपने, इसको आपने बोल रखा है क्या KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, के कैपिटल रहता है, उसके बाद M कैपिटल आता है, उसके बाद N छोटा आता है और O कैपिटल आता है और उसके नीचे 4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट आपको नाम याद रखना है। तो अभी मैंने KMnO4 लिख दिया इसे। अब क्या होता है जब हम इसको मिलाते हैं धीरे धीरे, क्या होता है, ये अभी कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये धीरे धीरे मिक्स होके अब क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। तो नेक्स्ट बीकर में किस तरीके से आपका हो जाएगा, यही बीकर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इट विल होल कलर विल बी वायलेट, ये पूरा कैसा हो जाएगा, इसके अंदर वायलेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि एक बीकर फिर से लेंगे, उस बीकर को हम क्या करेंगे, उस बीकर के हम क्या डाल के रहेंगे, 90 मिलीलीटर वाटर लेंगे, 90 मिलीलीटर वाटर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितने मिलीलीटर का हो जाएगा, 90 और 10 कितने हो गए, 100 मिलीलीटर का, तो ये भी कितने का बना, 100 मिलीलीटर का। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, 90 मिलीलीटर फिर से वाटर लिया और 10 मिलीलीटर यहाँ से निकाला, 10 मिलीलीटर यहाँ से निकाल के किसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। ठीक है, तो अब ये भी कलर, ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम वॉयलेट, हरी बस मन में, ये भी क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, बट जो कलर रहेगा वॉयलेट का वो इतना तेज नहीं रहेगा। ठीक है, वो इतना तेज नहीं रहेगा। फिर बाद में क्या किया है, इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट किया है कि भाई, अच्छा टोटल फिर से इसमें कितना हो गया अब 100 मिली, मतलब एक तरीके से ये सबसे कॉन्सेंट्रेटेड था, ये कॉन्सेंट्रेटेड था, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या था, KMnO4 था, वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ऐसे ही मान लो कि वो कलर है कुछ एक जो पानी को क्या कर रहा है, कलर कर दे रहा है। ठीक है, फिर इसमें से आपने कुछ 10 मिलीलीटर इसी सॉल्यूशन में से उठा के इसमें डाल दिया तो वो भी कलर हो गया, पर इसका कलर इसकी तुलना में हल्का रहेगा। फिर अगली बार फिर क्या किया आपने, 90 मिलीलीटर का फिर से वाटर लिया। ठीक है, इसमें फिर से वाटर लिया सेम अमाउंट का 90 मिलीलीटर, अब इसमें से 10 मिलीलीटर फिर से डाल दिया, अब क्या होगा, ये और हल्का हो जाएगा। इसका भी टोटल अमाउंट कितना है, 100 मिलीलीटर, क्योंकि 90 तो हम हर बार पानी ले रहे थे और पुराने में से 10 उठा के अगले में डाल रहे थे। इस तरीके से हर बार हमें कितना मिल रहा है,
100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर बस, हाँ ये लाइट होते 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 लाइट होते चले जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इस ये एक एक्टिविटी थी, तो ये क्या प्रूफ करता है कि ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इट शोज दैट जस्ट टू और थ्री टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन इम्पार्ट कलर टू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट ईच पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल, हर पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल किससे बना होता है, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर ये एक आप छोटा सा लें पार्ट, तो ये भी किससे मिलके बना, इट हैज़ दी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं। अब हमने क्या किया है, इसको पानी के अंदर ऐसा डाल रखा था, तो इसमें से थोड़ा सा उठा के जब अपन ने इधर डाला, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्टिकल इधर से उठ के कहाँ चले गए, उधर चले गए, ठीक है ना। तो हर बार ये क्या शो कर रहे हैं कि छोटे से पार्टिकल जब हम अगले से एक बीकर से दूसरे बीकर में फिर तीसरे बीकर में ऐसे डालते जाते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। मतलब ये क्या होती है कि कभी भी पार्टिकल ख़त्म नहीं होते हैं, पार्टिकल इतने छोटे होते जाते हैं कि वो बढ़ते जाते हैं। कुछ पार्टिकल इसमें रह गए, अगले कुछ पार्टिकल आपने डाले उसमें रह गए, फिर कुछ पार्टिकल अगले में रह जाएंगे। तो ऐसे करते करते क्या ऐसी कोई कभी भी ऐसा कोई लिमिट आएगा, ये हल्का होते 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 क्या हो जाएगा, एकदम से वाटर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो क्या रहेंगे हमेशा, एक बार आपने मिक्स कर दिया तो मिक्स हो गए दोनों। तो ये क्या शो करते हैं कि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो एक बार मिलाने पर वो घुल मिल जाते हैं, फिर अब उसको आप अगली बार किसी दूसरे में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो पार्टिकल थोड़े आते हैं। अब भाई इसमें आपने 100 मिलियन पार्टिकल है, ये 100 मिलियंस थे, 100 मिलियंस में से आपने ये 10 मिलीलीटर में 100 मिलियंस थे, तो जब आप इसमें से कुछ एक 10 मिलीलीटर का पार्ट यहाँ पर डालते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई 100 मिलियन में से कुछ मिलियंस तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना, और फिर कुछ मिलियन इसमें जाएंगे ही जाएंगे, फिर कुछ मिलियंस इसमें जाएंगे अगले में, और ये प्रोसेस चलती रहेगी आपकी, और ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होते 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 आपका कलर, आपको इसीलिए बुक में क्या दे रखा है, जो कलर है वो आपका क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो इसीलिए आप बुक में भी देखोगे तो ये एक्टिविटी आपको दे भी रखी है। इस एक्टिविटी में हालांकि उन्होंने एक्टिविटी किसकी कर रखी है, आपको मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल के लिए एक्टिविटी कौन सी कर रखी है, पहले लोग मानते थे कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूस होता है लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब बीच में कोई टुकड़े नहीं होते, जैसे पार्टिकल से मिलके नहीं बनी कोई चीज़, बस वो दिख रही है मतलब वैसी ही है उसको आप, मतलब वो कंटिन्यूस ब्लॉक से चिपक चिपक के बनी है, जबकि ये ऐसा पहले मानते थे, ठीक है। और दूसरा थॉट क्या था, वेयर इज द अदर थॉट दैट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, और दूसरे लोग क्या मानते थे कि पार्टिकल किससे मिलके बने, सैंड की तरह छोटे छोटे पार्टिकल चिपक चिपक के बने हैं, पर सैंड तो बहुत बड़ा पार्टिकल हो गया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने पहले ऐसा बोल दिया था सैंड जैसा पार्टिकल, बाद में क्या पता चला पार्टिकल की साइज़ कितनी है ही नहीं, मतलब कुछ दिखता ही नहीं वो पार्टिकल तो हमें, उससे छोटे छोटे अगर आप हजारों करोड़ों एक साथ मिलाओगे तब जाके तो एक थोड़ा सा मतलब शक्कर का दाना, अगर आप एक शक्कर के दाने को देखते हो तो ये शक्कर के दाने के अंदर भी क्या है, इसके अंदर हजारों पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं तो आपको एक शक्कर का दाना दिखते हैं, और जब सिंगल पार्टिकल आप नहीं देख सकते, इसलिए जब जुड़ जाते हैं वो तो वो आपको दिखने लगते हैं शक्कर के क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। हाँ, वाटर ड्रॉपलेट में 10^21 पार्टिकल्स होते हैं, ये मैंने कल बताया था। अच्छा, इसमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने आपको KMnO4 का बताया, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जो मैंने आपको चार प्रॉपर्टी बताई है उसमें से मैंने बताया कि पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और ये क्या बोल रहा है आपकी NCERT की बुक में, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसने स्मॉल नहीं लिखा, बस क्या बोल दिया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो उसके लिए इसने किसका एग्जाम्पल लिया, वाटर लो, वाटर के अंदर क्या डालो, शुगर डालो और उसको धीरे से हिलाओ, तो वाटर और सॉल्ट क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना, वाटर और सॉल्ट क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है आपको, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लो,
उसको आधा पानी से भरो, उसके बाद फिर उसमें कुछ शुगर या सॉल्ट डाल दो, और फिर देखो कि क्या शुगर या सॉल्ट डालने पे आपका कुछ मतलब, एक एक्सपेरिमेंट से दो तीन चीज़ें प्रूफ होती है ना, जैसे ये वाटर था, वाटर के बाद आपने क्या डाल दिया, थोड़ी सी शुगर भी डाल दी, सारी बात सुनिए, ये सब शुगर भी डाल दिया आपने, तो वाटर का लेवल इतना था, वो बोल रहा है पहले वाटर का लेवल मेजर कर लो, और शुगर डालने के बाद भी वाटर का लेवल मेजर कर लो, तो शुगर ज़्यादा नहीं डालनी कि डाल दी 20-30 किलो, इतने नहीं, शुगर कितनी डालनी, केवल मुट्ठी भर शुगर डाल दी आपने, या फिर केवल इतनी सी चुटकी भर शुगर डाल दी। तो ये क्या बताता है कि पहले भी सॉल्यूशन अगर मान लो ये 100 मिलीलीटर का था, और बाद में आपने शुगर डाली तो भी कितने का था, 100 मिलीलीटर का, मतलब वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई क्या, वॉल्यूम मतलब क्या उसमें जगह बढ़ी क्या, क्या 100 मिलीलीटर से 101 मिलीलीटर या 102 मिलीलीटर हुआ क्या, नहीं होता है। इसका मतलब क्या बता रहा है वो, कि पार्टिकल्स पानी के भी छोटे हैं और शुगर के भी छोटे हैं। बताओ ना आप, अगर जगह बड़ी नहीं, मतलब 100 मिलीलीटर से 101 या 102 103 मिलीलीटर भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम उतना का उतना ही, आपने शक्कर डाल दी, इसका मतलब क्या था कि पानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना था, और उसके बीच में गैप भी थी, और उसके बीच में गैप भी थी, और उस गैप में जाके कहाँ घुस गया, कौन घुस गई, शक्कर के पार्टिकल घुस गए, आ रही बात समझ में, और शक्कर के पार्टिकल घुस गए तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, उसने क्या किया, उसी गैप में रहना पसंद कर लिया। अच्छा, वो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब वो गैप क्या होगी, फिल हो जाएगी। ये ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आप, जैसे आप यहाँ पे पत्थर डालते हो, एक बीकर के अंदर पत्थर डालते हो, तो ये पत्थर को पार्टिकल समझ लो मान लो, हालांकि पत्थर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलते हैं। अब इसके अंदर आप क्या डालोगे, इसके अंदर छोटे छोटे क्या मान, इसके अंदर क्या डालोगे, रेड डालोगे। अब इसका वॉल्यूम कितना है, हम बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, कि उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की, भाई इतनी जगह ऑक्यूपाई की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई की। अब यहाँ से रेत डालना चालू करो आप, तो रेत डालोगे तो कैसी भराएगी वो, यहाँ से सब भरा जाएगी, पर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि रेत तो पूरी यहाँ यहाँ पे सब जगह मिक्स होना चालू हो जाएगी, क्योंकि बीच में क्या थी, गैप थी, तो गैप में सब क्या आ जाएगी, रेत आ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी गैप क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, तब जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, पर हमें वहाँ तक नहीं जाना है। हम तो क्या बोलते हैं कि भैया हमारा एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि क्या हुआ, वाटर लेवल क्यों नहीं बढ़ा, क्वेश्चन क्या है कि डज दी वाटर लेवल चेंज, क्या पानी का लेवल बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो क्या आंसर मिला, इस आंसर को हम कैसे देते हैं, कि ये सब क्या हो गए, जो भी स्पून के अंदर आपने सॉल्ट या शुगर लिया था, ये नाउ स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैल गए, कहाँ पर फैल गए, थ्रू आउट दी वाटर, पानी में फैल गए, इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना था, और वो उसके अंदर समा गए, छोटे छोटे पानी के टुकड़ों के अंदर छोटे छोटे शक्कर के टुकड़े समा गए। तो ये बताती है चीज़ कि ये सब पार्टिकल किससे मिलके बनाए, बहुत स्मॉल स्मॉल मतलब जो मैटर है वो किससे मिलके बनाए, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। मैटर मतलब किसको बोलते हैं, हर एक चीज़ जिसको आप देख सकते हो, और ऐसी जो चीज़ जो भी आप नहीं भी देख सकते हो वो भी एक तरीके का मैटर है, जिसको नहीं देख सकते उसमें जनरली ऑक्सीजन या गैसेस ही आती है। नहीं तो आप बोलोगे सर क्या स्माइल, हंसना क्या एक मैटर है क्या, नहीं, क्या रोना एक मैटर है क्या, क्या हमारी फीलिंग्स मैटर है क्या, ये सब मैटर्स नहीं है, ठीक है, इसे किया। तो ये दो एक्टिविटी अलग अलग बुक में दे रखी थी जो ये बताती है कि पार्टिकल क्या है। पहला तो क्या बताता है, पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताती है, ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी में पहली प्रॉपर्टी दे रखी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और मैंने कैरेक्टरिस्टिक जो बताई है कि मैटर, ये हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, मैंने एक्चुअली दोनों को मिक्स कर दिया है। पहले तो हम मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर किससे मिलके बना है, स्मॉल पार्टिकल से मिलते हैं, और पार्टिकल की विशेषता क्या हो गई कि वो पार्टिकल स्मॉल स्मॉल है। दूसरा आपको दे रखा हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब ये पार्टिकल होते कितने छोटे हैं, तो ये एक्टिविटी के लिए उसने फिर ये किया हुआ है जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये पोटेशियम मैग्नेट वाली पर मैग्नेट वाली दे रखी ना आपको, ये एक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, ये लाइट होते जा रहा है, वही प्रोसेस कर रहे हो कि ये अपने स्पून से क्या डाल दिया इसमें 100 मिलीलीटर, मतलब पहले 90 मिलीलीटर था, इसके अंदर 10 मिलीलीटर कुछ क्या डाल दिया आपने, 10 मिलीलीटर के पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया। आपको पोटेशियम पर मैग्नेट में डाउट हो तो आप इंक डाल दो, आपको नहीं समझ में आता क्या पोटेशियम परमैंगनेट, आपने क्या डाल दिया उसके अंदर, स्याही डाल दी,
कौन से कलर की चाय अच्छी लगती है, जिसको जो कलर की चाय अच्छी लगती है वो डाल दो, ठीक है। तो कलर क्या हो जाएगा, अगर आपने ब्लू कलर का शाई डाला है, इंक डाला है, ब्लू हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये अभी चलो रेड जैसा दिख रहा है, तो रेड कलर की शाई डाली, यहाँ से फिर थोड़ी सी शाई ये ले ली इसी के अंदर से, मतलब अब वो क्या है, वो तो शाई और पानी, यहाँ से भरा 10 मिलीलीटर और इसके अंदर कूट दिया, डाल दिया। फिर यहाँ से 10 लीटर भरा, ये पानी था इसके अंदर डाल दिया। तो ये प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये क्या बताता है कि पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहली तो पहली चीज़ बताती है कि मैटर पार्टिकल से बना होता है। उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, शुगर और सॉल्ट का, क्योंकि शुगर कहाँ गई, सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट पानी के अंदर समा गया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि पार्टिकल से तो बने होते हैं, बताओ कितने छोटे पार्टिकल है। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। वो प्रूफ कैसे कर रहा है, ये डालते जाओ इसको बाद इसके बाद इसके बाद, मतलब पार्टिकल खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब ये तो इसने 5-6 स्टेप ही की हुई है, जबकि इसकी साइंटिस्ट ने कहीं कहीं गुना स्टेप की होगी, तब जाके भी वो सॉल्यूशन क्या हुआ होगा, तब जाके भी कभी वाइट नहीं हुआ होगा। हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि एकदम से क्या हो जाना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए, पर आखिरी में भी वो वाइट हो जाएगा, आपको दिख रहा है नेकेड आई से, पर क्या एक्चुअल में वाइट है क्या, नहीं। कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे कि आपने यहाँ पे मान लो कि 100 पार्टिकल थे, इधर मिला है तो इधर कितने हो गए, 90 हो गए, इसमें 90 चले गए, या फिर 90 थोड़ा ज़्यादा ले लिया, कितना ले लिया फॉर एग्जांपल 60 चले गए इसमें, फिर जब इससे इसमें मिलाया तो इसमें कितने चले गए, 30 चले गए, फिर इससे इसमें कितने चले गए, 30 में से 15 चले गए, अगली बार में 15 से कितने चले गए, धीरे धीरे, ये तो मैंने क्या है कि 100 लिए, पर ये 100 पार्टिकल होते हैं क्या, नहीं होते, मतलब ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कभी ना कभी तो एक पार्टिकल तो फिर आखिरी में कहीं ना कहीं 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल तो बच जाएगा। तो ये प्रूफ करती है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। बात समझ में आ गई, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, पार्टिकल की, पार्टिकल की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की, पार्टिकल बहुत, मैटर के पार्टिकल बहुत बहुत छोटे होते हैं। अब दूसरी क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो क्या है, ठीक है, मतलब पहली दो को कंबाइन करोगे आप तो हमारी बनेगी ये, इसको ये मैटर इज मेडअप ऑफ पार्टिकल है और हाउ स्मॉल दे आर, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारी पहली बन गई क्या, कि वेरी 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 स्मॉल, आ गई बात समझ में, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर किससे मिलके बना है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। पर यहाँ पे क्या बताया कि पार्टिकल से मिलके बना है, और यहाँ पे क्या बताया कितने छोटे पार्टिकल है वो बताया, आ रही बात समझ में। तो ये पहली हमारी ये क्लियर हो गई। अब हमारी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दी हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यहाँ पे हमने देखा था, अब इसके बीच में क्या है, स्पेस बिटवीन देम, इसको प्रूफ कैसे करेंगे अपन, इसका भी अभी खुलासा हो चुका है, यही एक्टिविटी से हो रहा है, सेम एक्टिविटी से बता सकते हो आप कौन सी एक्टिविटी से, जो शुगर और सॉल्ट के साथ पानी के लिए की थी, कि आपका वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं रहा है, जो हमने एक्टिविटी की वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या शो करता है, वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग, दैट मीन्स पार्टिकल के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, आ रही बात समझ में। तो इसको बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ये चीज़ हम कहाँ पे देख चुके हैं, ये वाला जो पूरा आपका ऑब्जर्वेशन है ये पूरा वही है शुगर वाला। तो इसमें शुगर ली थी तब भी लेवल इतना था, सॉल्ट डाल दिया तब भी इतना था, उसको घुला लिया अच्छे से, स्टिर कर दिया तब भी लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये सब पार्टिकल से मिलकर बने थे और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर जाके घुस गए, इसके अंदर इंटरमिक्स हो गए। प्रूफ क्लियर है, सारे प्रूफ के लिए एक एक एक्टिविटी मतलब की गई है, मतलब कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। अब ये भी क्लियर हो गया, कौन सा वाला, पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेसेस बिटवीन देम क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी इसमें यही दे रखा है कि शुगर सॉल्ट डिटॉल पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा रहता है कि आपने शाही डाली तो कहीं बस केवल इतनी इतनी जगह शाही दिख रही, बाकी जगह पानी पानी दिख रहा है, हर जगह शाही शाही शाही, पूरा कलर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ठीक है, तो आप चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो या फिर नींबू पानी बनाते हो, तो ये सब एक ही टाइप के पार्टिकल के मिल से बने होते हैं। जैसे पानी है तो पानी के पार्टिकल क्या होंगे, एक जैसे होंगे। पानी के पार्टिकल ऐसा नहीं होगी कहीं अलग कहीं दूसरे, कहीं एक जैसे होंगे सब। और जो नमक है उसके पार्टिकल क्या होंगे, सब एक जैसे होंगे, नमक के पार्टिकल सब एक जैसे होंगे। तो ये एक्टिविटी क्या बताती है, मतलब जो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 दोनों की हुई है कि इनके बीच में, इन दोनों से प्रूफ हो जाता है कि इनके बीच में देयर इज स्पेसेस बिटवीन देम, देयर इज अ इनफ स्पेस। अभी बात समझ में, ये क्लियर हो गया। अब ये एक्टिविटी 1.3 क्या बोल रहा है, ये एक्टिविटी घर पर करी है सभी ने, व्हाट इट इज सेइंग, इंसेंस स्टिक किसको बोलते हैं, अगरबत्ती को बोलते हैं। इंसेंस स्टिक किसको बोलते हैं, अगरबत्ती को बोलते हैं। आप ये नाम याद रखे हैं ना, उसको आपकी क्लास में कोने पे जला दें तो क्या होता है, आप एक कोने पे बैठे हैं और दूसरे कोने पे आपका दूसरा कोई आपका मित्र बैठा है, आपका फ्रेंड बैठा है, तो उसको क्या फील हो गया कि कहीं ना कहीं खुशबू आ रही, इसका मतलब क्या हो गया, अगरबत्ती जल गई। या फिर आप घर में आपके पूजा भी होती है तो अगर हमारे पेरेंट्स अगरबत्ती जलाते हैं तो वो हमें फील हो जाता है अगरबत्ती जल गई, कैसे फील होता है, खुशबू से, है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मूव होके आ गया। एक चीज़ तो ये खुशबू, तो खुशबू मतलब क्या है कि गैसेस का, आप जो गैस फील करते हो उसी की वही आपको स्मेल देती, मतलब ये चीज़ उड़ के आ गई। तो अब हम तीसरी, ये है कि ये तो एक ऑब्जर्वेशन हमें देखना है, ये बात समझ में आ गया। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, कोई ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो गया, एक जगह अगरबत्ती जलाओ दूसरी जगह सूंघ लो, बस यही ऑब्जर्वेशन करना था। एक एक्टिविटी 1.4 में क्या दे रखा है, क्या दे रखा, कितने ग्लास भी कर लेने, दो ग्लास भी कर देना। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर। एक पे क्या डालना, रेड इंक, ठीक है, जरूरी नहीं रेड डालना है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। और दूसरे में क्या डालना है, हनी, मतलब शहद डालना है। अब दोनों को क्या कर दो, डिस्टर्ब मत करो और छोड़ दो। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो इंक होती है वो तो क्या होती है, सब जगह फैल जाती है ना, इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट दी वाटर, है ना। हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर अ कलर और इंक टू स्प्रेड, कितना टाइम लगता है उसको स्प्रेड करने में, कितने घंटे लगते हैं, कुछ मिनट ही लगेंगे। अच्छा, हनी का क्या होगा, हनी क्या को क्या होगा, हनी मिक्स नहीं होगा या फिर कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद मिक्स होगा। सेम टेम्परेचर में होगा तो अभी देखते हैं, इसका खुलासा करते हैं। अब एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। नाम याद रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट जैसा होता है ना कि कलर करने के लिए कलर है, बस एक केमिकल का नाम है, वैसे ही कॉपर सल्फेट भी है, ठीक है। और उसको क्या करना है, इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग अ कोल्ड वाटर। मतलब उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट एक हॉट वाटर में भी मिलाना है और कोल्ड वाटर, हॉट मतलब गर्म पानी में भी मिलाना है और ठंडे पानी में भी मिलाना है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको बताना है कि आपको स्टिर नहीं करना है। स्टिर मतलब क्या बोलते हैं, हिलाने को बोलते हैं स्टिर। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। जो क्रिस्टल्स आपने डाले हैं ना, जैसे शुगर होती है ना, शुगर के जैसे क्रिस्टल होते हैं वैसे कॉपर सल्फेट के भी क्रिस्टल होते हैं, बट ब्लू कलर के होते हैं। उसको पानी में डालते हैं तो ब्लू कलर होता है, शुगर को पानी में हम डालते हैं तो कोई कलर नहीं निकलता। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, एक बीकर में आपका हॉट वाटर है और एक बीकर में आपका कोल्ड वाटर है, दोनों में आपने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट डाल दिया और दोनों को आपने कुछ टाइम के लिए रख दिया है। क्या ऑब्जर्वेशन होता है आपका, किस में जल्दी मिक्सिंग होता है, आपको बोला है कि देखो किस में जल्दी मिक्स होगा तो गर्म में मिक्स होगा। ये सब चीज़ें एक जनरल है, पर इनसे उन्होंने क्या बना लिया, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बना लिए। हम सब चीज़ें रोज देखते हैं करते हैं, पर उसको उन्होंने क्या बना दिया,
मतलब इनने तीन एक्टिविटी करी, 1.3, 1.5, 1.3, 1.4, इसके पहले 1.1, 1.32 तो क्लियर है, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, अब इस एक्टिविटी को जब हम कंबाइन करते हैं साथ में, तो ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है, पहली एक्टिविटी कौन सी वाली थी, नहीं मतलब 1.3 कौन सी वाली थी, अगरबत्ती वाली थी, अगरबत्ती जलाई तो क्या हो गया, है ना। तो इससे क्या होता है कि पार्टिकल एक जगह बैठते नहीं है, मूव होते रहते हैं। जैसे वो लिक्विड है ना, तो लिक्विड का भी पार्टिकल क्या है, एक जगह बैठे नहीं है वो, आपको हालांकि हिलते हुए नहीं दिख रहा, पानी एक जगह रखा है, पर अंदर जो पार्टिकल्स है जिससे मिलके बना है वो सब मूव हो रहे हैं आपस में, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है। बट आप देख नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप पार्टिकल को ही नहीं देख सकते हो, तो कहाँ से देखोगे। सॉलिड में भी पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव होते हैं, सारे पार्टिकल्स मूव होते हैं, बट आगे हम देखते हैं आप वो इसकी प्रॉपर्टी। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट कॉल दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, अगर कोई चीज़ चल रही है, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, कोई चीज़ चल रही है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ज़मीन पर कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ ज़मीन पर दौड़ रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई बात में, तो दे होती काइनेटिक एनर्जी। ज़मीन पर कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे कार है, यहाँ से यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर दौड़ती है तो वो क्या होता है, एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। तो पार्टिकल भी दौड़ता रहे तो वो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन पजेस, एब्जॉर्ब नहीं, पजेस, पजेस मतलब उनके पास एक एनर्जी है, पजेस मतलब होना। तो पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी है। पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया कि पार्टिकल दौड़ते रहते हैं, कैसे पता चला, आपने अगरबत्ती जलाई थी उससे पता चला। अगरबत्ती की बजाय आप परफ्यूम यूज़ कर लो, या फिर घर पे खाना बनता है, तो ये सब चीज़ें क्या बताती है, खाना भी बनता है तो क्या होता है, ठीक है, हाँ। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो उनको और गुस्सा आता है। तो अभी जो धीरे धीरे घूम रहे थे ना, तो वो क्या होता है, और तेज़ी से घूमते हैं। जैसे पानी को देखा होगा आपने, पानी को अगर आप धीरे धीरे गर्म करते हो तो पानी उबाले लेने लगता है, मतलब पार्टिकल अंदर पहले घूम रहे थे, दिख नहीं रहे थे, अब आपने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया है कि उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी इकट्ठी हो गई और बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, तो आपको फिर पानी उबाले लेते दिखता है, पार्टिकल नहीं दिखेंगे, पानी उबलते हुए दिखेगा, क्योंकि पार्टिकल तो बहुत छोटा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, बात समझ में आ गई। तो ये तीन एक्टिविटी में क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व किया, दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। अच्छा, पार्टिकल अपने आप से ही मिक्स होते हैं, अपन ने एक एक्टिविटी में लिखा था डू नॉट स्टिर, डू नॉट स्टिर मतलब उसको हिलाना नहीं है। आप शकर भी पड़ी रहने दो तो क्या है, शकर को तो अपन ने हिला दिया, वो किस लिए हुआ, एक्सपेरिमेंट अलग था। अब शकर भी हिला दोगे या नहीं भी हिलाओगे, एक दिन बाद, दो दिन बाद क्या होना है उसका, एग्जाम क्या होगा उसका, डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक। उसी तरीके से शहद को भी आप पानी में रखोगे तो कुछ टाइम बाद वो भी डिजॉल्व हो जाएगा पानी में, ठीक है, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, पर टाइम लेगा, वो टाइम लेगा, हो सकता है 10 घंटे ले ले। गर्म पानी में डालोगे तो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, आरी बात समझ में। मतलब ये सब चीज़ें हमें क्या बता रही है कि पार्टिकल की अलग अलग विशेषता बता रही है, कि पार्टिकल छोटे होते हैं, पार्टिकल घूमते रहते हैं इधर से उधर, है ना, पार्टिकल सकने नहीं बैठते एक जगह, दे आर जस्ट मूविंग, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पार्टिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी, नाम लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, तब जाके तो नंबर मिलेंगे अपने को अच्छे अच्छे हम ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा, आती तो सब कुछ है, अब क्वेश्चन में कीवर्ड लिखने होते, तो कीवर्ड्स क्या क्या हो गए, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, डिफ्यूजन अभी बात नहीं है, और फिर क्या हो गया, मिक्सिंग, एक दूसरे से मिक्स हो गए, तो ये सब कीवर्ड है। आगे बढ़े, सो देट शुड बाय गेटिंग स्पेस बिटवीन देम, और ये भी देखते हैं हमने, ये सब क्या करते हैं, बीच में स्पेस होती है पार्टिकल मैटर के, तो बीच में लग जाते हैं, ये भी हमने देख लिया,
और इसी चीज को हम बोलते हैं द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आगे बात समझ में, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन बहुत इजी है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन डिफ्यूजन की डेफिनेशन पूछ लेंगे और वो आपको पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक पर, इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बाय देयर ओन इज कॉल्ड डैश डैश डैश। तो आपको वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डिफ्यूजन, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिक्स हो गए, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। हमारी बात सुन, हीटिंग में डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, मतलब ऑन हीटिंग डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, मतलब हीटिंग में हाँ डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन फास्ट होने का मतलब क्या हो गया बेटा, नहीं हीटिंग तो बढ़ गई, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिलना, मतलब अभी एक पार्टिकल इतने इतने धीरे धीरे मिल रहे थे, जब हीट करोगे तो बहुत जल्दी 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 मिल जाएंगे, मतलब ऑन हीटिंग गर्म करने पर डिफ्यूजन बिकम फास्ट है, ठीक है। और ये क्यों होगा, क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाई डज दिस हैपन, क्यों, क्योंकि गर्म करोगे तो पार्टिकल को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो तेज भागेंगे, तेज भागेंगे तो फिर तो वो एक दूसरे से जल्दी मिक्स हो जाएंगे, तो बस ये बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, हाँ डिफ्यूजन क्लियर हो गया, कॉपर सल्फेट क्लियर हो गया, मैं चेक कर रहा हूँ कुछ इस बुक से कुछ भूल तो नहीं गए हम, तो जितना हम गर्म करते हैं उतना मिक्सिंग भी जल्दी फास्ट हो जाता है, एंड फास्टर द मूवमेंट फास्टर इज द मिक्सिंग, जल्दी घूमेंगे तो जल्दी मिक्स होंगे, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये काम की चीज़ है भैया आपके लिए, यहाँ पर इसके लिए कुछ 5 महिलाओं का ग्रुप दे रखा है, हाँ इसमें 3 एक्टिविटी, मतलब आपको क्या दे रखा है बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ यहाँ पे 5 महिलाओं को जो ग्रुप दे रखा है उनसे एक एक्टिविटी करवाई गई है, या फिर ऐसा समझ लो कि आपकी क्लास में 5 हम लोग जो बैठे हैं 5 स्टूडेंट्स हैं, और एक गेम खेला गया है, क्या खेला गया है कि मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन इन रिस्पेक्ट, एक आपको क्या करना है ऐसी चेन बनानी है, पहला ग्रुप क्या करना है वो एक दूसरे को किस तरीके से होल्ड करके किस तरीके से लॉक किया हुआ उन्होंने, फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म, बैक मतलब एक की एक का हाथ दूसरे की कमर पर है, ठीक है, फिर अगले का हाथ दूसरे की कमर पर है, जिस तरीके से यहाँ पर बता रखा है, आ रही बात समझ में। दूसरा ग्रुप कैसा है, मतलब ये 5-5 के आप 3 ग्रुप बना लो, वैसे दूसरा ग्रुप क्या बता रहा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ह्यूमन चेंज बनी हुई है, पहले ग्रुप में क्या है बैक, बैक आपने एक का बैक दूसरे के बैक को पकड़ के रखा हुआ है, तीसरे का ग्रुप क्या है फिंगर टिप से टच किया है ना, चौथा ग्रुप क्या है, अच्छा नाउ अब नहीं, अब ये 3 ग्रुप ही बनाए, केवल 3 ग्रुप ही बनाए, पहले ग्रुप में क्या किया हुआ है बैक पे पकड़ रखा है, दूसरे ग्रुप में क्या किया है हाथ से हाथ पकड़ के रखे हैं, और तीसरे ग्रुप में क्या किया हुआ है फिंगर से फिंगर टच हो रही है, मतलब एक का फिंगर दूसरे की फिंगर से इस तरीके से बस केवल ये टचिंग है, हरी बात समझ में। अब चौथा ग्रुप आता है, चौथा ग्रुप क्या करता है वो इन तीनों ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करता है, मतलब हमारे पास 3 ग्रुप हो गए, ये पहला ग्रुप था, ये वाला था दूसरा ग्रुप, और जो था ये तीसरा ग्रुप, और जो चौथा ग्रुप आता है वो इन तीनों ग्रुप्स को क्या करता है तोड़ने की कोशिश करता है, और क्वेश्चन पूछा है विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक एंड व्हाई, कौन सा ग्रुप पहले टूट जाएगा आपके हिसाब से, थर्ड वाला, और क्यों,
क्योंकि एक दूसरे से उनका बॉन्ड अट्रैक्शन कम था, मतलब उनका टाइटली, वो टाइटली इस तरीके से बंधे हुए नहीं थे। अगर हम देख, अभी हमने इसके रीज़न नहीं पढ़े बट फिर भी जनरल भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, यार अपने दिख से पकड़ नहीं हुई हमारी, हम क्या बोलते हैं, दिख से पकड़ नहीं हुई इसलिए आपने खींचा तो हम टूट गए। आप कोशिश करोगे कि ना टूटे बट फिर भी वो तो बहुत ईजिली आपके बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसके बाद दूसरे पे आया तो तीसरा तो पे टूट गया, दूसरा भी टूटेगा पर थोड़ा सा मुश्किल से टूटेगा क्योंकि उसने हाथ से हाथ पकड़ के रखे, बट टूट तो जाएगा। उसके बाद ये भी टूट गया और ये वाला भी आखिरी में कमर से पकड़ा हुआ है, तो बॉन्डिंग और अच्छी होती है, मतलब आपकी टाइम लगेगा, हाँ उसमें टाइम लगेगा तोड़ने में। मतलब वही ग्रुप अगर पहले को तोड़ रहा है, सेम पाँच पाँच का ग्रुप अगले को तोड़ रहा है और फिर वही ग्रुप अगले को तोड़ रहा है तो टाइम किसमें ज़्यादा लगेगा, पहले वाले। बात समझ में आ गई। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम मत भूल जाना इसके पहले, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे पास जो भी मैटर आसपास पाया जा रहा है वो सब क्या क्या चीज़ें अपने पास उसके अंदर हैं, ये सब चीज़ें उसके इंटरनल उसके मैटर के अंदर घुस गए और देख रहे हैं कि अब ये क्या हो रहा है इसके अंदर एक तरीके से। चलो अभी इस एक्टिविटी से क्या आ रहा है, इस एक्टिविटी में उसने अभी ये बोला है कि मान लो हर एक स्टूडेंट को आप क्या मान लो, पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से ये बताएगा कि भाई अगर पार्टिकल ऑफ मैटर है तो पहले ग्रुप में पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत अच्छे अच्छे पास में होंगे। दूसरे ग्रुप में क्या होंगे, पार्टिकल थोड़े से दूर होंगे और तीसरे ग्रुप के पार्टिकल और ज़्यादा दूर होंगे। इसका मतलब ये पार्टिकल इस पार्टिकल और इन पार्टिकल में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। तो यहाँ से पता चलता है कि पार्टिकल भी एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब आगे अपन स्कोर कंटिन्यू करेंगे। पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, देन इन विच ग्रुप, आपसे पूछा है ना कौन से ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्टेड है, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है हमारा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स पास पास हैं। चलो अब एक और एक्टिविटी करते हैं, 1.7 क्या है देखो,